कॉन्ट्रोडिक्ट ऑफ द वचन को लेकर जो विरोधाभास है उसको लेकर आज जो है हम और कल बात करेंगे ना ये फोटो देख लीजिए <laughs> जी आशा करता हूं कि कुछ कुछ फोटोज़ जो हैं मैं समझता हूं कि बोलने की भी जरूरत नहीं है फोटो खुद ही बात कर देते हैं ठीक है ना लेकिन फिर भी आपके बीच में रखूंगा बाइबल को जासूस की तरह मत पढ़िए, डिटेक्टिव की तरह मत पढ़िए। पड़िए yes. <laughs> वापस आता हूं अगर आप परमेश्वर के दास हैं परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर के बेटा बेटी हैं आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो बाइबल को जासूस की तरह नहीं पढ़ना है नीचे रेड पे लिखा है डिटेक्टिव की तरह नहीं पढ़ना है कुछ लोग क्या करते हैं आविश्वासी जो लोग होते हैं ना जाकिर नायक राहुल आर्या फिर और भी कोई सनातन धर्म वाले और अदर लोग जो हैं एथिक यानी कि नास्तिक लोग जो हैं वो खुद तो नहीं सुधरेंगे खुद सच्चाई को नहीं जानेंगे सत्य को पता नहीं लगाएंगे लेकिन हमारी जो बाइबल है जिसमें सत्य है जिसमें बहुत कुछ मसाला है मानव जाति को बचाने के लिए पाप से नरक से अनंत न्याय से लेकिन उसके ऊपर पड़ जाएंगे और यह काम किसका है जी लूसीफर का क्योंकि वो नहीं चाहता है कि पीसफुली शांतिपूर्वक ना तो प, तब जब यीशु थे न तब जब पत्रस थे ना तब जब पलूस थे और न अब जब आप और मैं वो नहीं चाहेगा कि किसी प्रकार का काम ठीक से चले जब बाइबल नहीं थी तो यीशु की बातों पर आलोचना जब बाइबल आ गई तो बाइबल की बातों पर आलोचना सीरियस <laughs> समझ रहे मैं रिपीट कर दूं जब बाइबल नहीं थी तो यीशु की बातों पे आलोचना जब बाइबल आ गई तो अब बाइबल की बातों पे आलोचना बोला ये ऐसा क्यों वो वैसा क्यों तो सबसे पहले चीज यूट्यूब के लोगों जूम के लोगों डीटी के लोगों आपको बताता चलूं कि कभी भी बाइबल के वचन को जासूस की तरह नहीं पढ़ना मतलब दिमाग के किसी कोने में मुझे भी काफी कॉल्स आते हैं पंजाब से आते हैं भारत से आते हैं अलग अलग जगह से आते हैं कहते हैं कि पास्टर डैनियल मैं विश्वासी होकर दो साल हो गया पाँच साल हो गया दस साल हो गया कुछ लोग तो हद कर देते हैं चालीस साल हो गया लेकिन मुझे है ना एक वचन पे ना शंका है डाउट है ले भाई इसको कहते हैं जासूसगिरी तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं बाइबल को देखिए मैं रखूंगा भी आपको जब कोई चीज नहीं समझ में आती है तो बेस्ट क्या है चुप रहना दूसरा क्या है प्रार्थना करना है तीसरा क्या है आपके जो मेंटर हैं मतलब जो आपको लीड करते हैं सिखाते हैं उनको पूछना है चौथा क्या है आगे बढ़ो <laughs> सीधा क्या है आगे बढ़ो दैट्स इट आज नहीं तो कल देर सवेर आपको बातें समझ में आ जाएंगी लेकिन कभी भी पहली चीज आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं यूट्यूब के लोगों आप भी देख लीजिएगा कि जासूस की तरह आपको बाइबल नहीं पढ़नी है लाइक अ डिटेक्टिव ओके नाउ इसको देख लीजिए मूसा की पांच किताबें मूसा की पांच किताबें पढ़ोगे तो डिडक्टिव की तरह अगर पढ़ोगे तो गलतियां मिलेगी मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं आपको अभी से बताता चलूं जिसको मैं कल रखूंगा कुछ कुछ पॉइंट ठीक है ना मूसा की किताब जिसको कहते हैं उत्पत्ति निर्गमन ले व्यवस्था गिनती और व्यवस्था विवरण जेनेसिस एक्सेडस, लेविटिक्स नंबर डेटोनॉमी ये जो पांच किताबें हैं आप अगर डिटेक्टिव की तरह पढ़ोगे जासूस की तरह पढ़ोगे तो मैंने लिख दिया है कि गलतियां आपको मिलेंगी ये पक्की बात है जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देता हूं अगर परमेश्वर कल मुझे मौका देता है तो मैं रखूंगा बात को मूसा की आखिरी अध्याय मूसा का आखिरी चैप्टर क्योंकि वो मर चुका था तो फिर कहते हैं कि मूसा का व्यवस्था विवरण का आखिरी चैप्टर द बुक ऑफ डिटोनॉमी का लास्ट चैप्टर उसको मूसा कैसे लिख सकता है तो क्या जरूरत है आपको उसमें घुसने की मूसा ने नहीं लिखा हो सकता है कि यौशु ने उसको कंप्लीट किया लेकिन जो पांच किताबें चलाता चलाता लिखता, लिखता लिखता आ रहा है तो आखिरी अध्याय अगर किसी और ने लिखा है तो उसका नाम मेंशन करने की जरूरत है इसको कहते हैं बुद्धि इसको कहते हैं अकल यस yes, तो मूसा ही इसका ऑथर है अब उसमें क्यों घुसना है परमेश्वर का दास मूसा को अगर परमेश्वर लिखता है क्रेडिट देता है तो क्या तकलीफ है इसको कहते हैं ना कि यीशु मसीह ने क्रूस उठाया बहुत ध्यान से सुनिएगा यीशु मसीह ने क्रूस उठाया आपके जहां पे सेक्रीफाइस करना था गोलगता के पहाड़ पे खोपड़ी का पहाड़ भी जिसको कहते तो बीच में किसी को दिया था क्रूस उठाने तो हम ऐसा कहें कि यीशु ने पूरा क्रूस नहीं उठाया दो लोगों ने मिलकर उठाया ऐसे बोल सकते हैं कमॉन बात करिए क्रेडिट <laughs> किसको जाएगा यीशु को जाएगा ना सी तो इसका मतलब है कि पांच किताबें मूसा ने लिखी अगर आप उसको डिटेक्टिव की तरह पढ़ोगे तो गलतियां पक्का मिलेगी अब इसको देखो यीशु की चार किताबें पढ़ोगे डिटेक्टिव की तरह तो चार पुस्तकों में भी आगे बोल दीजिए आपको गलतियां मिलेगी आपको पता है सिर्फ यीशु के क्रूसिफिकेशन यानी कि यीशु का तीन दिन के बाद में जी उठने में कम से कम चार किताबों में सत्रह गलतियां कितनी सत्रह आपने कभी ध्यान दिया है या मैं ये बातें क्यों सिखा रहा हूं मैं रखूंगा क्योंकि आप लोग कौन हैं हैं तो कम से कम आप जब चार किताबें पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त में आप अगर डिटेक्टिव की तरह पढ़ोगे तो गलतियां पक्का मिलेगी अब आपको बताता हूं क्यों क्योंकि लिखवाता परमेश्वर है लिखता मनुष्य है लिखवाता जब परमेश्वर है लिखता जब मनुष्य है तो बीच में खड़ा होता है कि जनरेशन के लिए लिखा है या जनरेशन के लिए लिखा है ओके okay, वापस बोलना पड़ेगा जनरेशन के लिए लिखा है या जनरेशन के लिए लिखा है इसका मतलब है सिर्फ उस पीढ़ी के लिए लिखा होता तो कट टू कट लिखा जाता चैप्टर खत्म क्लोज मैटर खत्म लेकिन क्योंकि पांच किताबें मूसा की चार किताबें ईशु की एक किताबें प्रेरितों की चर्च हिस्ट्री जिसको कहते हैं ऐसे करके टोटल दस पुस्तकें ये जनरेशन के नहीं जनरेशन के लिए, लिए लिखा है क्या बात है कैसा लग रहा है या 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 तो फिर बीच में प्रश्न उठता है ओके पास्टर डैनियल अगर जनरेशन के लिए लिखा है तो इसमें दिक्कत क्या है बहुत गजब की बात कर दी दिक्कत यहां है कि ट्रांसलेशंस का प्रश्न उठता है अनुवादक का प्रश्न उठता है इंटरप्रेट का प्रश्न उठता है जिसको मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जब किसी पुस्तक का अनुवाद होता है बहुत खतरा होता है क्योंकि मैं उसको तो रखूंगा आज लेकिन पढ़ते वक्त पढ़ाते वक्त लिखते वक्त नुक्ता, चीनी डॉट, बिंदु मात्रा, फुल स्टॉप, कोमा यह सबका बैंड बचता है यह सबका बैंड बचता है और जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे मानो ओरिजिनल है लेकिन जबकि वो क्या है कोई बता दीजिए कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज अरे है ना बात समझ में तो अगर आप डिटेक्टिव की तरह पढ़ोगे जैसे पोस्टर में आप देख रहे हैं ऐसे पढ़ोगे तो गलतियां <laughs> जरूर मिलेंगी पक्का मिलेंगी ना कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज और कल का दिन कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं बाइबल को परमेश्वर ने बहुत ध्यान से सुनना बाइबल को परमेश्वर ने अपने हिसाब से लिखवाया मनुष्य के हिसाब से नहीं <laughs> वापस रख रहा हूं परमेश्वर ने बाइबल को अपने हिसाब से लिखवाया आपको याद होगा ना उत्पत्ति की किताब में बोला था मूसा को उतना ही बोला भाई जितना तेरे को समझ आ रही है और उतना ही लिखवाया जितनी जरूरत थी अगर आप ये पूछोगे कि परमेश्वर मुझे बिल्कुल मेरे हिसाब से चाहिए तो परमेश्वर बोलेगा बेटा जब मर के ऊपर आएगा ना तब डिटेल में बताऊंगा लेकिन अभी जितना जरूरत है उतना काफी है देखिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है आप फैमिली के साथ में ट्रैवलिंग पे जाते हो गांव जाते हो शहर से गांव जाते हो या गांव से शहर जाते हो तो आप क्या करते हो आप पूरा का पूरा घर पैकअप करते हो क्या पूरा घर पैक करके लेके जाते हो नहीं आप क्या करते हो एक छोटा बैग या तो एक बड़ा बैग और आपको पता है कि अगर एक हफ्ते का ट्रिप है तो बच्चों का कपड़ा कितना लेना है पूरे के पूरे अलमारी खाली नहीं करते ना, आपका पूरा का पूरा घर का कबड़ खाली नहीं करते ना, आपको पता है चार दिन के लिए जा रहा हूँ जितनी ज़रूरत है उतना कपड़ा उतना पैकअप उतना खाना उतना पैसा आप उस हिसाब से अरेंजमेंट करके चलते हैं यस और नो <laughs> वैसे ही परमेश्वर बोलता है कि ये छोटा ट्रिप है सात हजार साल का क्या बात है ये छोटा ट्रिप है ये छोटी जर्नी है सात हजार साल की आदम से लेकर यीशु तक यीशु से लेकर आप और मैं कलिसिया तक ये छोटी ट्रिप जिसको परमेश्वर कहता है एक हजार दिन परमेश्वर के यहां पे कितना है एक दिन एक दिन कितना है हजार दिन तो परमेश्वर कहता है मेरा ट्रिप है मेरी जर्नी है मैं मेरे हिसाब से बंदोबस्त करूंगा मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों बंदोबस्त करूं <laughs> कैसा लग रहा है घर पे जब बच्चों को लेके जाते हैं ना आप तो ट्रेन में बैठे हैं फ्लाइट में बैठे हैं बस में बैठे हैं कहीं पे भी बैठे हैं तो बच्चा पूछता है अरे मम्मी मेरा वो चीज़ नहीं लाया बेटा वो घर पे अरे मेरा वो कपड़ा नहीं लाया बेटा घर पे मेरी वो खिलौना कहाँ बेटा घर पे बोला फिर ये चार दिन के लिए वो सब क्यों नहीं लाया बेटा जब घर पर जाएंगे तब मिलेगा लेकिन ये सफ़र है ये ट्रैवलिंग है ये जर्नी है जितनी आवश्यकता है उतना ही परमेश्वर हमको देता है इज दैट राइट इज दैट राइट या वहां पे कितने लोग हैं देख लो या yeah, क्या बात है आंकड़ा तीन सौ के आसपास जूम पे हैं और यूट्यूब पे तो अलग बात है ओके okay. <laughs> कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना ओके ना इसको देखे इसलिए हमेशा ध्यान रखें क्या एक वचन को कौन सा आपके बीच में रखूंगा इसलिए हमेशा ध्यान रखें इस वचन को एक वचन को इस वचन को देखना चाहोगे कौन सा है जी आपकी रुचि आपका इंटरेस्ट आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए मैं आपको बीच बीच में छेड़ते रहता हूँ ठीक है ना तो आप लोग मेरे साथ में बिल्कुल बने रहे कौन सा वचन है यशाया पचपन का आठ द बुक ऑफ आई जया चैप्टर फिफ्टी फाइव वस एट लिखा है क्योंकि यह कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है जमीन आसमान का फर्क है क्या बात है क्या बात है इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि डैनियल जैसा तू चलता है वैसा मैं नहीं चलता और मुझे भी समझना है कि जैसा मैं चलता हूं आगे बोल दीजिए परमेश्वर नहीं चलता परमेश्वर का लैंग्वेज अलग है मनुष्य का लैंग्वेज अलग है परमेश्वर का नेचर अलग है मनुष्य का नेचर अलग है मनुष्य सीमित है कम ऑन गेट रेडी परमेश्वर असीमित है ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। मनुष्य की लिमिट है लेकिन परमेश्वर का कोई लिमिट नहीं है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया कैसा लग रहा है खमौन खमान खमौन गिव इम फ्रेस थाली बजाकर सब सब कोई चुप नहीं बैठेगा सब प्रभु को धन्यवाद सब प्रभु को धन्यवाद तो इसका मतलब यह हो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर जब शाया पचपन आठ में आज हमसे बात कर रहा है तो मुझे एक वचन से पता चल जाता है कि परमेश्वर को कभी प्रश्न नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों वैसा क्यों क्योंकि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है हम मनुष्य नहीं जानते लुसिफर कहां था जब यीशु मसीह तीन दिन तीन रात कब्र में थे हमको नहीं मालूम क्या चीज़ हुई थी जब अधन का बगीचा बन रहा था हमको नहीं मालूम तो सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में इसलिए परमेश्वर से सवाल पूछना एज अ डिडेक्टिव बंद कर दीजिए सिंपल है बाइबल पढ़ो प्रभु पे विश्वास करो जो बातें समझ आ रही है प्रेज गॉड जो बातें नहीं समझ में आ रही है पवित्र आत्मा समझाएगा जैसे मैंने कहा था कि जो प्रचारक होते हैं जो वचन की शिक्षा देते हैं वो दोना दो गुना आदर के योग्य समझे जाए क्यों क्योंकि वो आपको पवित्र आत्मा की ओर से वचन को सिखाते हैं और मैं अपने आप को धन्य सौभाग्य प्रिविलेज समझता हूं क्लास तीन बार फेल <laughs> मुझ जैसे व्यक्ति को मुझ जैसे बर्तन को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और लेकर चल रहा है वो व्यक्ति का नाम क्या है क्रीम शर्ट पिंक शर्ट पिंक शर्ट हां वो हाँ नाम क्या ओके okay, ब्रदर वाहिद सरदार वाहिद सरदार वाहिद सरदार आप क्या कर रहे हैं सर आप टीचिंग ले रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं फोकस करिए फोकस करिए टीचिंग पे फोकस करिए इतने अच्छे अच्छे पंचेस दे रहा हूं आप किसी से बात कर रहे हैं अगर आपको ऐसा करना है सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप शायद अपना काम कर सकते हैं थैंक यू सो मच बट यू हैव टू बी फोकस ओके अगर आपने टाइम निकाला है 24 घंटे में तो फोकस करिए अगर आप uh, क्या कहते हैं ना सुन रहे हैं तो यू हैव टू रिस्पॉन्स ओके मैं का, काफी टाइम से आपको नोट कर रहा हूं प्लीज रिस्पॉन्स करिए ओके okay, ये इसलिए कह रहा हूँ गुस्सा आ सकता है ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मेहनत करके पत्नी खाना बनाती है या माँ या बहन खाना बनाती है और अगर उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है तो, तो माथा ख़राब होगा वैसे ही मैं भी आपके लिए मेहनत करके लाता हूँ और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर प्रश्न उठता है कि आगे आप समझदार है ओके तो वापस कहता हूं यशाया शाया पचपन आठ कहता है क्योंकि यह कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है तो जमीन आसमान का फर्क है हम परमेश्वर के मन को नहीं पढ़ सकते गति को नहीं पढ़ सकते परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकते जितना कुछ कहा है उतना काफ़ी है इसीलिए आपको सब कुछ ऑर्डर और लाइन में नहीं मिलेगा क्या बात है क्या बात है राइट चंदन मस्के या चंदन 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 मस्के राइट <laughs> ओके तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर का वचन कभी ऑर्डर में कभी लाइन में नहीं मिलेगा उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं देखिए यह बाइबल का इतिहास ब्लैक में स्पॉट किया है घटनाएं ब्लैक में स्पॉट किया है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटीज की बात कर रहा हूं तो इतिहास घटनाएं और व्यक्तित्व आप जब बाइबल को पढ़ते हो यह कई हजारों सालों से तरह तरह के कल्चर लोग और जातियों से होकर आपके पास पहुंचा है या yeah. सी <laughs> कभी ऐसा सोचा था नहीं सोचा भी हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन अगर नहीं सोचा था तो देखो आपको डीटी में ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं यूट्यूब के लोगों मैं नहीं समझता हूँ कि बाहर ऐसी बातें होती होंगी अगर होती हैं तो सल्यूट है लेकिन अगर नहीं होती तो ले लो आपके लिए दे रहे हैं तो बाइबल का इतिहास और घटनाएं और व्यक्तित्व कई हज़ारों सालों से तरह तरह के कल्चर और लोग और जातियों से होकर आपके पास पहुंचा है मैंने कल्चर का क्यों जिक्र किया है क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में कल्चर अलग था यहूदियों का कल्चर अलग था इस का कल्चर अलग था यीशु के टाइम पे तरह तरह के लोग का कल्चर अलग था आप देख सकते हैं इथोपियन जो फिलिप ने जिसको वचन सुनाया वो इथोपियन था उसका कल्चर अलग है उसके बॉडी का स्किन का कलर अलग है वैसे ही बहुत सारे लोग उस वक्त में अलग अलग कल्चर से आते थे इन सब से गुजर कर ये एक बाइबल जिसको कहते हैं 66 बुक की एक बाइबल आपके पास पहुंची है तो सोच के देखो कितना संभाल के इसको पढ़ना पड़ता है और इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है प्रश्न कब उठते हैं जब ये बुद्धि नहीं लगाते प्रश्न कब उठते हैं जब लेखक को नहीं समझते प्रश्न कब उठते हैं जब कल्चर को नहीं समझते प्रश्न कब उठते हैं जब ये शुभ मसीन है मती के पांच के पंद्रह के इक्कीस में याद होगा मती पंद्रह इक्कीस मैथ्यू फिफ्टीन ट्वेंटी वन में कहा एक औरत को कि कुत्तों की रोटी लेकर बच्चों बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालते एक मूर्ख ने कहा कहता है कि ये मसीह ने औरत को कुत्ता बोला अब उनको कौन समझाए कि वो एक एक कहावत है एक क्या कहते हैं ना सेंग है एक 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 प्रकार की बोली थी वो जिसको ये मसीह ने वहाँ पर इस्तेमाल किया अब हम वहाँ से वाकिफ नहीं हैं हम वहाँ की बातों को नहीं समझते हैं जैसे कि अभी कुछ लोग कहते हैं ना आ, आ, ये तो कुत्ते की दूम है किसको कहते हैं बता दीजिए प्लीज इंसानों को कहते हैं तो इंसान कुत्ता का धुम कब से हो गया बताइए लेकिन इसको क्या कहते हैं एक कहावत है वैसे यीशु मसीह ने कहा सुअर और कुत्तों के आगे मोती मत डालो तो एक कहावत है उन दिनों में चलती थी जैसे मैं अभी कहता हूं गई भैंस <laughs> पानी में अब मुझे बताइए इसका कोई लॉजिक है भैंस पानी में जाएगी जाएगी कि नहीं जाएगी पक्का जाए लेकिन उसको कहावत बना दिया फिर कहते हैं मैं भी कहता हूं अगर ना रहेगा बांस आगे बोल दीजिए और ना बजेगी बांसुरी तो यह अभी की कहावत है ऐसा चलता है देखिए मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं आपका अगर फोन स्विच ऑफ हो जाए तो आप क्या कहते हैं मेरा फोन की बैटरी खत्म हो गई मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया राइट लेकिन आपको पता है अदर कंट्रीज में क्या कहते हैं माई फोन इज डेड मेरा फोन मर गया है। अब मुझे प्लीज बताइए क्या कभी फोन मरता है आ, सी तो ऐसी कुछ बातें थी जिसमें से एक सिर्फ एक क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है सिर्फ एक रख रहा हूं पहले ये फोटो देख लीजिए अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आपने ये बच्चे को पिता को कहां से लेकर आया आपको जब कनेक्शन दूंगा तो मजा आएगा ठीक है ना मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लाता रहूं ताकि इंटरेस्टिंग भी बने और आप लोग बातों को सीख भी सकें ठीक है ना जी तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा और ये बाप यहां पे क्या कर रहा है अब सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं लिखा है भाई के मरने के बाद भाई शादी करता है तो बच्चा किसका लगता है, नहीं समझ आया रिपीट करता हूं कि भाई मरने के बाद भाई शादी करता है तो बच्चा किसका आपको याद होगा इसको यीशु ने भी बोला है ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा चलता था अगर किसी ने शादी किया और उस पत्नी का पति मर गया और पत्नी का पति का भाई अगर वहां है तो वो पत्नी से शादी करेगा और बच्चा जब होगा बहुत ध्यान से सुनना बच्चा जब होगा तो वो बच्चा उसका नहीं होगा जो पति मर गया वो बच्चा उसका होगा माय गुडनेस आप नहीं समझे अभी कानूनी तौर पे बच्चा किसका है जो पति मर गया बायोलॉजिकल बच्चा किसका है जो अभी पति जिंदा है नहीं समझ आया कानूनी तौर पे बच्चा किसका है जो पति मर गया बायोलॉजिकल बच्चा किसका है जो अभी पति जिंदा है यह कल्चर कौन समझाएगा <laughs> अभी के तारीख में आज की तारीख में क्या है आप ही बताइए जिसका बाप जिंदा है बच्चा उसका है लेकिन जिसका बाप मर गया वो बच्चा उसका कैसे हो सकता है लेकिन उन दिनों में ये चलता था तो फिर से कहता हूं कि आपके पास जो बाइबल पहुंची है वो इतिहास घटनाएं व्यक्तित्व कई हजारों सालों से घटनाएं घटते कल्चर को लेकर जाति को लेकर लोगों को लेकर आपके पास पहुंचे राइट सर या तो इसका मतलब है कि हम सभी को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है परमेश्वर के खूबसूरत आगे बोल दीजिए बाइबल को ना ये चित्र आपके बीच में रख रहा हूं एक तरफ है बाइबल और दूसरी तरफ है पवित्र आत्मा का सिंबल यानी कि आप जानते हैं आग के रूप में उतरा और कबूतर के रूप में उतरा तो मैंने दोनों रख दिया क्योंकि आपको कनेक्ट करना है ठीक है ना तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक चीज समझा दू इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा का पहला दो दान नाइन गिफ्ट ऑफ द होली स्प्रिट का पहला दो वरदान आइए देखते हैं क्या है बाइबल को समझने के लिए ही दिया गया है पहला क्रंथियो बारह का आठ फर्स्ट क्रंथियन ट्वेल्व एट कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें तो ऐसा पूछते हैं पवित्र आत्मा जी से और साथ ही साथ परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर मिनिस्ट्री करनी है बहुत ध्यान से सुनना अगर सेवा ही करना है आत्मा को बचाना है तो इसमें बुद्धि का क्या काम इसमें ज्ञान का क्या काम इसमें आपको क्या देना था पावर आपको क्या देना था हीलिंग पावर आपको क्या देना था स्पीकिंग पावर आपको क्या देना था परछाई में ताकत जैसे पत्रस को दी रूमाल में पावर ऐसा कुछ दे देते बुद्ध क्यों रख दिया पहले और ज्ञान क्यों रख दिया पहले तब परमेश्वर कहता है कि बेटा दूसरों को सिखाने से पहले तुझे खुद को बुद्धि होनी चाहिए और तुझे खुद को ज्ञान होनी चाहिए ताकि तू दूसरों को सिखाए वाह कैसा लग रहा है सी देखिए आ, मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके आपको है ना पानी की तरह साफ करके एक एक बातों को रख सकूँ और ये परमेश्वर की तरफ से प्रभु मुझे देता है तो बट आप उसको लीजिए उसको ग्रैप करिए उसको पकड़ लीजिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है और मैं आपको बताऊंगा आगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं तो वापस कहता हूं कि पवित्र आत्मा का पहला दो दान बाइबल को समझने के लिए दिया गया मिनिस्ट्री को समझने के लिए परमेश्वर के किताबों को समझने के लिए मूसा की पांच किताबें यशु की चार किताबें चर्च हिस्ट्री की पहली किताब एक्ट की पुस्तक जिसको कहते हैं और फिर उसके बाद में दानियल की किताबें जो अपोक्लिप्टिक है रेवलेशन की किताबें जो अपोक्लिप्टिक है इन सभी को समझने के लिए परमेश्वर का यह दान दिया गया है कलिसिया को आ, एक एक जल्दी से निकालो याकूब का किताब एक सेकंड दीजिए एक और आ गया याकूब का किताब उसका पहला दिया वचन पांच या जेम्स चैप्टर वन वर्स फाइव जी जेम्स चैप्टर वन वर्स फाइव या वंडरफुल जीसस वंडरफुल जीसस जल्दी देना याकूब की किताब उसका एक का पांच बीच में आ गया मैं क्या करूं परमेश्वर का आत्मा बात करता है तो सुनना पड़ता है ना आ, है। आई okay, थिंक वचन छ नहीं 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 तुमने छ को क्यों स्पॉट किया पहले सही है ओके okay, मैं सही था याकूब एक पांच <laughs> आइए सुनते लिखा है यदि तुम्हें किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी कैन यू बिलीव दिस जिसको बुद्धि चाहिए वो प्रभु से मांगे तो डैनियल राज पांचवी क्लास तीन बार फेल है ये बात पक्की है लेकिन ये जो बात कर रहा हूं ये किसकी बुद्धि है कमान परमेश्वर की वैसे ही सोचिए एक गांव का पास्टर शहर का पास्टर देश का पास्टर विदेश का पास्टर अगर उसको सेवा करना है तो उसको ज्ञान अमेरिका से पाना है या फॉरनर से पाना है या पवित्र आत्मा से कोर्स पवित्र आत्मा से इज इंटेड तो मैं साथ ही साथ इस वचन के हवाले से या वसीले से जितनी बहने अभी मुझे देख रही हैं उन सभी बहनों को इनकरेज करने के लिए कहना चाहता हूं कि आपको प्रचारक बनना है पास्टर जी कैसे बने हमको तो आता नहीं है अभी वचन कौन सा पढ़वाए थे जिसको बुद्धि नहीं है वो मांगे और कौन देगा परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि और ज्ञान से भरेगा क्यों क्योंकि आप सेवा कर रहे हो ना इस डीटी से हम आपको सिर्फ इस डीटी से मतलब ट्रेनिंग, इस डीटी से हम आपको सिर्फ आत्माओं को बचाकर स्वर्ग में भेजने का ज्ञान नहीं दे रहे बल्कि छेला बनकर दूसरों को कैसा छेला बनाते हैं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं वाह <laughs> इसका मतलब है कि मुझे आपको सबको YouTube वालों हम सभी को आत्मा तो बचानी है स्वर्ग पहुंचाना है यह बात सही है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चेला बनो और दूसरों को चेला कैसे बनाते हैं उसकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग आपको लेनी जरूरी है और जिसको थ्री थर्ड फेज में तीसरे फेज में जिसको कहते हैं इंपावरमेंट जब अगले महीने से शुरू होगा तो उस पर सिर्फ इसी बात पर फोकस किया जाएगा कि हाउ टू बी अ डिसाइपल एंड हाउ टू मेक अ डिसाइपल इसके ऊपर हम लोग बात जरूर करेंगे ठीक है ना ना मैं चाहता हूं कि अभी तक आप बहुत सारी बातें सीख चुके हैं परमेश्वर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे परमेश्वर हमारी सहायता करता रहेगा तो दूसरों को ज्ञान देना सिखाना के ऊपर पत्रस ने कुछ कहा है माफ करें पौलूस ने कुछ कहा है आइए देखते क्या कहा पहला तिमोती दो का चार वो कहता है वह यह चाहता है कौन परमेश्वर के सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को जरा देखेगा लिखा है भली भांति पहचान ले सबका उद्धार हो ये चाहता है हिंदू का मुस्लिम का सिख का ईसाई का बुद्धिस्ट का पारसी का यहूदी का इसका उसका वैसा वैसा पैसा सबका लेकिन कैसे सत्य को भली भांति पहचाने इसका मतलब है गेट रेडी सिर्फ उद्धार देना हमारा मकसद नहीं है उसको एजुकेट करना ये हमारा मकसद है <laughs> कुछ लोग कहते हैं मैं चालीस साल से चर्च जा रहा हूं लेकिन मती की किताब कहां आती है उसको यह नहीं पता मैं दस साल से विश्वासी हूं लेकिन प्रार्थना किस कैसे करते हैं उसको नहीं पता तो इसका मतलब क्या है उसका उद्धार तो हो गया लेकिन क्या नहीं जाना सत्य को भली भांति नहीं जाना मैं जीसस क्राइस कैसे बोलूं मैं अट्ठाईस साल पहले मैं आप लोगों को आज बता देता हूं अट्ठाईस साल पहले मैं बाइबल को सिर्फ पकड़ता था पढ़ता नहीं था क्यों पता है क्योंकि पढ़ना नहीं आता था बिल्कुल नहीं आता था एक अक्षर जोड़कर नहीं पढ़ पाता था ऐसी हालत थी लेकिन घंटों घुटनों पे जैसे तैसे परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता था प्रभु मुझे हिंदी सिखा दे हिंदी सिखा दे हिंदी पढ़ना सिखा दे और मुझे नहीं पता था मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे मुंबई को बचाना है यह सच बता रहा हूं मैं प्रार्थना करता था महाराष्ट्र को बचाना है फिर मैंने एक लेवल आगे बढ़ाया प्रभु भारत को बचाना है लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे हृदय में पूरा विश्व को देगा मुझे नहीं मालूम था और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जैसे उसने मुझ पांच फेल आदमी को अगर इस लेवल पे लाके रखा है तो आप जितने मुझसे कई पढ़े लिखे हैं आपको परमेश्वर कितना इस्तेमाल कर सकता है सोच के देखिए इस वसीले से यह बात को कर रहा हूं या मेरी गवाही की डोम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी ये पावर टू चेंज वालों ने Uh, वो वीडियो मुझे नहीं मिल रही है लेकिन uh, मेरी जिंदगी अगर मैं कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊं प्रभु अगर लीड करता है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें आप लोग जान पाओगे चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेरा फोकस है कि भली बाती बिल्कुल एक्यूरेट यीशु क्या था यीशु ने क्या किया एक एक चीज एक्यूरेट हमें पता होनी चाहिए जिसके चलते आपके बीच में यह डी हमने स्टार्ट किया ना बहुत ध्यान से देखिएगा ये है आपका बाइबल कॉन्ट्रडिक स्क्रिप्चर्स को अध्ययन करते वक्त इन कुछ बातों का ध्यान रखें क्योंकि ये आज भी चलेगा और कल भी चलेगा ठीक है ना बहुत ध्यान से मैं अभी बेस बना रहा हूं मैंने अभी तक आज चौबीस मिनट हो गए मैंने अभी तक बेस में नॉट चौबीस मिनट आधा घंटा हो गया शायद मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं अभी तक मैं नहीं आया हूं मैं कल आऊंगा इसके ऊपर खुल के ठीक है ना मतलब अभी तो शुरू कर दूंगा वो बात अलग है लेकिन देखिएगा ठीक है ना कॉन्ट्रेडिक्ट को अध्ययन करते वक्त में इन कुछ बातों का ध्यान रखें कौन कौन सी बातें आपके बीच में रख रहा हूं व्यक्ति कौन है पहला ये पता लगाओ जिसने वचन को लिखा एक ही व्यक्ति के दो दो नाम भी होते हैं यह भी पता लगाइए घटना जब घट रही थी तो वहां कौन कौन था यह पता लगाइए ले, लेखक ने जैसे लिखा क्या वैसे अनुवाद हुआ ये पता लगाइए अगर कोई इस बात का खुलासा नहीं हो रहा है अगर कोई बात का खुलासा नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती उसकी खोज मत करो मैं आपको बताता क्यों क्योंकि व्यवस्था विवरण 29 का 29, डिटोनॉमी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन लिखा है गुप्त बातें सीक्रेट थिंग्स गुप्त बातें कहां हैं परमेश्वर हमारा हमारे परमेश्वर यवा के वश में है परंतु जो प्रकट की गई हैं, वे सदा के लिए हमारे वंश में रहेंगी माफ करें, वश में रहेंगे वंश, वंश सोच के देखिए आप गुप्त बातें ना वापस आता हूं बाइबल के कॉन्ट्रेडिक्ट स्क्रिप्चर को पढ़ते वक्त में इन बातों का ध्यान रखें कि व्यक्ति कौन है जिसने लिखा यह पहले पता लगा वो व्यक्ति कौन था एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूं देता हूं मार्कुस की किताब जिसका नाम है मार्क वो व्यक्ति जब ईशु अस्तित्व में थे मतलब जीवित थे वो नहीं था मार्कुस की किताब पत्रस को पूछ पूछ के लिखा है कैन यू बिलीव दिस वापस आता हूं मार्कुस की किताब मार्क लेखक मार्क ऑथर ऑफ द बुक मार्क इसका जो लेखक है ना वो येशु के टाइम पे नहीं था दूसरे शब्दों में वो येशु के साथ में नहीं था अब उसका उद्धार भी नहीं हुआ ये भी क्वेश्चन मार्क है लेकिन जब पतरस के साथ में उसने मरकुस की किताब को लिखने की बात करी तब उसने पूछा ओके ओके मरकुस की किताब को लिख लिखते वक्त में पत्रस को पूछ पूछ के लिखता था इसलिए मरकुस की किताब पढ़ते वक्त में 16 चैप्टर आपको मती का मैच नहीं मिलेगा मती की किताब पढ़ते 28 अध्याय मरकुस का नहीं मिलेगा वैसे ही लूका का चौबीस अध्याय आपको मैच नहीं मिलेगा यहोन्ना का इक्कीस अध्याय आपको मैच नहीं मिलेगा इज दैट राइट रेणुका जी थैंक यू <laughs> इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहला यह पता लगाना है कि व्यक्ति कौन है जिसने किताब लिखी दूसरा एक ही व्यक्ति के दो दो नाम भी होते हैं कैसे एक ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास में जो पौलूस था उसका नाम पहले क्या था शहल तो जो पहले शहल था बाद में नाम क्या हो गया पॉल तो अगर शहल लिख रहा है जो कि एक्ट चैप्टर सेवन में स्टीफन को जब पत्थर मारा जा रहा था तो किसके पैर के पास में कपड़े रखे थे वो था शॉल फिर नौवे अध्याय में जिसने यीशु ने उसको दर्शन दिया ही बिकेम तो जब पढ़ते वक्त में एक ही व्यक्ति के दो नाम वैसे बाइबल के अंदर मरियम के कम से कम पांच नाम है ओल्ड से लेके टेस्टमेंट तक तो कौन सी मरियम है ये तो पता लगाओ यीशु की खबर पे कौन सी मरियम गई थी ये तो पता लगाओ मार्था की बहन कौन थी क्या वो मैगजीन थी या सिर्फ मैरी थी ये तो पता लगाओ तो पढ़ते वक्त में व्यक्ति के दो दो नाम होते हैं जैसे मती की किताब में जब यीशु पैदा हुआ तो हेरोधेश राजा था लूका की किताब में कोई और राजा है तो लेखक कहते हैं यहां पे दो दो है और आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट है हो सकता है तो उसके ऊपर कलाऊंगा लेकिन यह भी तो पता लगाओ कि वही व्यक्ति का दो दो नाम भी तो हो सकता है कैन यू बिलीव दिस कैसा लग रहा है सी हाउ सिंपल इज दिस और फिर कहते हैं कि कॉन्ट्रीडिक्ट है फिर कहते हैं कि इनकी बाइबल में कितनी गड़बड़ है वैसे ही मैं कहता हूं कि हम सब कौन है झेले हैं हम ऐसे लोग हैं जो अंधों को रास्ता दिखाएंगे हम खुद अंधे बनकर नहीं चलेंगे फिर घटना घटना जब घट रही थी तो वहां कौन कौन था यह भी पता लगाना है मैं अभी रखूंगा मैं अभी रखूंगा मत्ती की किताब कहता है कि मंदिर का पर्दा तब फटा जब यीशु ने जान दे दी दे चुके थे लूका कहता है यीशु में मरे मंदिर का पहला पर्दा बाद में माफ पहले फटा। तो प्रश्न उठता है कि जब घटना घट गट रही थी तो लेखक वहां था क्या नहीं मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि मती मरकुस लूका योन्ना बीस बीस यानी कि दो दो से लेकर तीन तीन डेकेट के बाद लिखी गई एक्यूरेट और इसका लेखक कौन है वो लोग जो यीशु के साथ में नहीं घूम पाए तो लोगों से पूछा राजाओं से पूछा वहां के पढ़े लिखों से पूछा तब जाकर बात हमारे पास में पहुंची तो अभी तक कैसा लग रहा है सी ना <laughs> ये तो मैं आपको बता चुका हूं लेखक ने जैसा लिखा क्या वैसे अनुवाद होता है बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ में गुप्त बातें परमेश्वर के हाथों में रखी हैं जो जरूरत है उतनी काफी और बाकी नहीं है तो भी काफी है ओके okay? नाउ अब बात करते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रेडिक्ट स्क्रिप्चर की मैं इतना स्लो इसलिए जा रहा हूं ताकि एक एक बात आपको समझ आ सके तो मैं जानता हूं कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है तड़प भूख वो बढ़ गई होगी तो सबसे पहले इस पॉइंट का पहला कॉन्ट्रिडिक्ट स्क्रिप्चर आपके बीच में रख रहा हूं जितने यूट्यूब के लोग हैं आप लोग भी देख लीजिएगा ना क्या है आपको पहले फोटो दिखा देता हूं ये फोटो देखकर आप पता लगा लिए होंगे बात हो रही है जियनोलॉजी ऑफ जीसस अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड लूक मैं रिपीट करता हूं यीशु की वंशावली मत्ती की किताब और लूका की किताब से वापस आते इंग्लिश में जियनोलॉजी ऑफ जीसस अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड लूक तो सबसे पहले मत्ती का एक, -एक आपके बीच में रख रहा हूं लिखा है इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली फिर वचन सत्रह डायरेक्ट कट करके डाल दिया हूं। क्यों क्योंकि हमें जितनी जरूरत है उतना आपको दे रहा हूं सब कुछ देने की जरूरत नहीं है सत्रह लिखा है इब्राहिम से दाऊद तक चौदह पीढ़ी दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक चौदह पीढ़ी बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक कितनी चौदह पीढ़ी तो इसको कहते हैं टोटल यहां फोर्टी टू वंशावली है इज दैट राइट या फोर्टी टू वंशावली ओके okay. ये भी बता देता हूं क्योंकि मेरी लिस्ट में नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं गिनती में 42 नहीं मिलेगा लेकिन गिनती में फोर्टी वन ही मिलेगा तो शुरुआत का फोर्टीन पक्का मिलेगा सेकेंड फोर्टीन पूरा मिलेगा लेकिन जब आप थर्ड फोर्टीन में आओगे ना जो कि लिखा है कि बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक ये चौदह जो लिखा है ना ये आपको चौदह नहीं सिर्फ 13 मिलेगा पूछो क्यों अभी बता देता हूं वो इसलिए कि फोर्टीन जनरेशन ये है और उसमें फोर्टी वन मिसिंग है माफ करें फोर्टी सेकेंड मिसिंग है अब ये कौन है फर्स्ट पीटर चैप्टर टू वर्स नाइन लिखा है कि तुम परमेश्वर की चुना हुआ हो। क्या बात है तो हम हैं वो फोर्टी टू जनरेशन मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर कभी गिनना है आप लोग गिन सकते हैं आपको खूब मजा आएगा ठीक है ना नाउ यहां फोर्टी टू वंशावली है इसको तीन हिस्सों में किसको 14 14 14 को मैंने तीन हिस्सों में बांटा है आइए देखते हैं वो तीन हिस्से क्या है तो सबसे पहला हिस्सा है पूर्वजों का दूसरा हिस्सा है राजाओं का और तीसरा हिस्सा है अनजान ऐसे कैरेक्टर्स जिनको कई लोग नहीं जानते जैसे 500 लोग यीशु के जी उठने के बाद 500 लोगों ने यीशु को देखा उनका डेटा हमारे पास नहीं है पूर्वजों का डेटा हमारे पास है राजाओं का डेटा हमारे पास है लेकिन ये जो तीसरा है ना तीसरी कैटेगरी ये अनजानों का ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जब आप मत का एक से लेकर सोलह तक पढ़ोगे तो आप खुद भी पूछोगे अरे यार ये कौन है अरे यार ये कौन है अरे इसका हिस्ट्री किधर है अरे इसका हिस्ट्री किधर है? है आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा ऐसा क्यों पास्टर डैनियल ऐसा थीन कैटेगरी में क्यों आपके बीच में रख रहा हूं पूर्वजों राजाओं और तीसरा है अनजान ऐसा क्यों तो पूर्वजों जो विश्वास में पक्के थे राजा जो संसारिक तौर पे पक्के थे पॉलिटिकल और तीसरा कोई सामर्थ्य नहीं था लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया ओ ओ ओ, ओ, ओ। वापस बोलूं पूर्वजों जो विश्वास में पक्के थे राजा हो जो संसार में पॉलिटिकली पक्के थे लेकिन ये तीसरे कैटेगरी के लोगों को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया ना जो विश्वास में ना पावर पॉलिटिकली लेकिन साधारण थे लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इनका इस्तेमाल किया तो ऐसे तीन जनों की कैटेगरी से होते 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 आपका मेरा मसीहा पैदा हुआ कैसा लग रहा है अभी कुछ लोग कहते हैं कि जो विश्वास में पक्के हैं प्रभु सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करेगा जो संसार में पॉलिटिकली पक्के हैं प्रभु सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करेगा लेकिन परमेश्वर के लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो डैनियल कौन है नहीं जानते थे निर्जला कौन है नहीं जानते थे आप में से बहुत सारे को नाम तो नहीं लूंगा आप कौन थे नहीं जानते थे लेकिन यार यहाँ एक पाँच कहता है तुम अपनी मां के पेट में आए भी नहीं थे मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारा अभिषेक कर दिया क्या बात है यहां तो जम के ताली होनी चाहिए वंडरफुल जीसस वंडरफुल जीसस क्या बात है क्या बात है <laughs> मैं तो कहता हूं कि आप लोग सब अपना अपना पीठ को थपथपाइए है ना आप खुद को शाबाशी दीजिए कि आपकी गिनती उसमें है और परमेश्वर आपको जो है अपना बेटा बेटी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस एक पति पत्नी देख रहे हैं साथ में बड़ा अच्छा लग रहा है सेंतु संग चेन गुप्ता रे माफ करिए ठीक से नाम नहीं ले पा रहा हूं बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक और बहन है जो वैशाल कुमार लुधियाना से बहुत अच्छा आप लोग भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं वंडरफुल प्रकाश राधा प्रकाश राधा जी क्या बात है वंडरफुल पति पत्नी के साथ हैं आप शायद ओके <laughs> कभी सोचा था ऐसा है आपका बाइबल क्या क्या मसाला क्या क्या पॉइंट्स आपको प्रभु आज दे रहा है देखिए इनफैक्ट पहले एपिसोड से दे रहा है तो पूर्वजों का पहला हिस्सा राजाओं का दूसरा हिस्सा अनजान लोग का पहला हिस्सा पूर्वजों को क्यों विश्वास में पक्के थे राजाओं को क्यों जो लेके परमेश्वर चला जिसमें राजा है राजा दाऊद है और न जाने कितने राजा यौश है संसार में पॉलिटिकली पक्के थे पावर में पक्के थे पैसा था और तीसरी कैटेगरी लिखा है कोई सामर्थ्य नहीं लेकिन उसके बावजूद भी वे परमेश्वर के लिस्ट में गिने गए जिनको कोई नहीं पूछता था उनको तक परमेश्वर की लिस्ट में नाव जियनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा तो वापस आपको बता दूं कि हम यीशु मसीह की जियोनोलॉजी की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड लूक कुछ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मती ऐसा कहता है लूक ऐसा कहता है इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है आज दूध का दूध पानी का पानी आपके बीच में करने जा रहा हूं तो अभी तक ये बता दिया नाव आते हैं लूका के पास लूका का तीसरा दिया वचन तेईस आपको पता है इसको पहले पढ़ लेते हैं लिखा है कि जब यीशु आप उपदेश करने लगा जो लगभग तीस वर्ष की आयु का था जैसा समझा जाता था फिर लिस्ट शुरू होती है कि वो कहां कहां से आया लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वहां 42 वंशावली है यहां 75 75 वंशावली का जिक्र है Can you believe this? अब यहां पे डिक्ट उठ जाता है लोग कहते हैं अच्छा कौन कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा जो डिटेक्टिव की तरह बाइबल पढ़ेगा। लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं है जो पवित्र आत्मा के बुद्धि ज्ञान से बाइबल को पढ़ेगा तो पचहत्तर वंशावली आपके बीच में उसका जो खुलासा है रखने जा रहा हूं तो इस लूक को मरियम की लाइन से ना कि यहूदी लाइन से क्योंकि मत्ती की किताब यहूदी लाइन से लिखी गई लेकिन लूका की वंशावली यीशु की वंशावली लूक जब लिख रहा था आप जानते हैं लूक कौन है पेशे से डॉक्टर था यह वही लूक है जिसने एक्ट्स को लिखा तो उसको भी दिमाग में रखिएगा तो मरियम की लाइन से उसने लिखा ना कि यहूदी लाइन से पर इसराइली लाइन से उसने लिखा प्रश्न है क्यों बहुत गजब की बात दे रहा हूं आज बहुत गजब की बात दे रहा हूं आपके बीच में रखना चाहूंगा क्यों कारण है सुलेमान कारण है सुलेमान आप सभी जानते हैं कि सुलेमान कौन है यह दाऊद का बेटा था आप सभी जानते हैं राइट ये वो राजा था जिसने चालीस साल परमेश्वर के मंदिर को चलाया अद्भुत सेवा की बहुत नाम कमाया बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण था एक हजार पत्नियों के साथ में अपने बड़े आन शान रुबाब के साथ चलता था लेकिन इसका एंड कैसे हुआ पता है बहुत सारे मूर्ति पूजा को मानते देवी देवताओं को उपवासना करते करते निकला तो ऐसे लाइन में ऐसे लाइन में मरियम कैसे आएगी बताइए मरियम नहीं आ सकती ना ये लाइन में <laughs> तो इसका मतलब क्या पता है मती एक आठ में इसका नाम है किसका नाम सुलेमान का लेकिन लूका के थीन के इकतीस में इसका नाम नहीं मिलेगा आपको बल्कि किसका नाम मिलेगा पता है आपको नाम मिलेगा नाथान का ये नाथान कौन है आप सभी जानते ये भी दाऊद का बेटा है तो ये दाऊद का लाइन इसको यहां से कट कर दिया किसने किसने लूक ने इसने कहा कि नहीं लिख सकता बॉस ये सुलेमान की लाइन में मैं यीशु को नहीं डाल सकता लेकिन यहूदियों ने डाला यहूदियों के कॉन्सेप्ट में आपको मत्ती की किताब में मिलेगा लेकिन लूका की किताब में आपको सुलेमान नहीं मिलेगा आपको नाथान मिलेगा डंके की चोट पे बोल रहा हूं अब इसको कहते हैं डोज डोज इसको कहते हैं अब जिसको समझ आ रहा है वो ले सकता है अब बाकी का मुझे नहीं मालूम क्या होगा लेकिन लीजिए क्योंकि मैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग दे रहा हूं <laughs> कभी पढ़े थे ये सारी चीजें सी इसको कहते हैं परमेश्वर का प्रकाशन आपको और मुझे जो प्रभु दे रहा है तो वापस कहता हूं कि मती का जियनोलॉजी और लूक का जियनोलॉजी में कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है लेकिन जो बुद्धि से पढ़ेगा बात को समझेगा फिर वो पता लगाएगा कि क्यों मती ने ऐसा लिखा और क्यों लूक ने ऐसा लिखा ना अब एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं मती एक एक वंशावली कहां से शुरू होती है पता है ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे मतलब आप से लेकर नीचे तक लेकिन लूक कहां से शुरू करता है पता है नीचे से ऊपर यीशु मसीह ऊपर से नीचे आते हैं फिर नीचे से ऊपर का ये कनेक्शन और इसका एंड कैसे होता है पता है यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है जो मानते नहीं है ना कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है उसके लिए लू कहता है मैं कैसे इसको छुपाऊं मैं कैसे नहीं लिखूं मेरी रिसर्च से पता चला मेरी स्टडी से पता चला कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है जो सीधे ऊपर को कनेक्शन करता है तो मथी ऊपर से नीचे लेकिन लूका नीचे से ऊपर Wow, मुझे नहीं लगता है कि आज मैं कहां तक जा पाऊंगा लेकिन जाते हैं सेकेंड कॉन्ट्रेडिक्ट स्क्रिप्चर देखना चाहोगे पहला फोटो देख लीजिए के 40 दिन के फास्टिंग में आप सभी को पता है कि लूसीफर जिसको कहते हैं ना लास्ट टेम्पटेशन आखरी परीक्षा एक कहता है मंदिर के कंगूरे पे एक कहता है पहाड़ के चोटी पे तो कौन क्या कहता है पहला रख देता हूं मती चार आठ कहता है फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया माउंटेन। लूक कहता है तब उसने उसे यरूसले में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया तो एक तरफ फोटो है पहाड़ और दूसरी तरफ फोटो है आपका मंदिर का चोटी आ, क्या कहते हैं उसको आ, आ, समझ गए आप लोग ठीक है ना अब प्रश्न उठता है सही क्या है <laughs> सही अब ही पढ़ेगा और जिसको डिटेक्टिव की तरह पढ़ना है जाकिर नायक राहुल आर्या जैसे लोग ये कैसे पढ़ेंगे ये सीधा कहेंगे देखो इनकी बाइबल में कितना गड़बड़ है देखो इनकी बाइबल में कितनी प्रॉब्लम है और वो जो शुरुआत के पॉइंट थे ना वो कभी नहीं भूलना बाइबल को पढ़ते वक्त में उसको हमेशा याद रखना ठीक है ना तो इसका करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी तो लिखा है दोनों भी घटनाओं को लेखक लिख रहे हैं जो घटना घटी थी इसको लेखक लिख रहा है मती लिख रहा है और लूक लिख रहा है कैसे अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से अब आ रहा है जोर का झटका जी धीरे से ऐसा हो सकता है कि पहले मंदिर था बाद में टूट गया हो जो बन गया पहाड़ रखता हूं वापस ऐसा हो सकता है कि जो पहले मंदिर था वो बन गया पहाड़ किसके हिसाब से मती के हिसाब से तो जब लूका लिख रहा था तो उसको पता था कि वो मंदिर हो सकता है तो मंदिर पे ही यीशु को लेकर जाकर खड़ा किया तो उसने मंदिर लिखा उसके हिसाब से तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो टूट गया और हम सभी जानते हैं कि मंदिर टूटा है कम से कम हिस्ट्री में तीन बार कितनी बार तीन बार यरूशलेम का मंदिर टूटा है तो जब मती लिख रहा है तो टूटा हुआ मंदिर जो पहाड़ बन गया तो वो भी सही है और जो लूका लिख रहा है वो भी सही है तो इसमें क्वॉंटिटी कहा है कैसा लग रहा है सी हाउ सिंपल इज दिस तो पड़ते वक्त में बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है जो मैं बता चुका हूं कि लेखक को समझो लेखक कैसे लिख रहा है तो दोनों भी घटनाओं को लेखक ने लिखा है और याद रखो जब मती लिख रहा था तो लूका को नहीं पता उसने क्या लिखा है लूका जब लिख रहा था तो उस मती को नहीं पता कि लूका क्या लिख रहा है द पॉइंट तो लेखक के आपस में बातचीत नहीं होती थी जैसे अभी कुछ लोग एक टेबल पे बैठे यार तू क्या लिखा बता दे मैं क्या लिखा ये शोले पिक्चर थोड़ी बन रही है <laughs> ये शोले पिक्चर थोड़ी बन रही है कि डायरेक्टर को पूछो प्रोड्यूसर को पूछो है ना एक्टर को पूछो ये वो नहीं है ना साहब ये उस वक्त में जो घटना घटी थी उसको लिखा है और उसके हिसाब से अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से लिखा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बात करते तीसरा थर्ड कॉन्ट्रेडिक्ट स्क्रिप्चर्स मंदिर का पर्दा मंदिर का पर्दा आप सभी जानते हैं मती कहता है मैंने इसलिए बगल बगल में रखा है मती सत्ताईस का पचास से इक्यावन कहता है मैथ्यू ट्वेंटी सेवन फिफ्टी टू फिफ्टी वन कहता है तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा फट गया नीचे से ऊपर तक मंदिर का फर्दा, पर्दा फट के, दो टुकड़ा हो गया धरती गई है और ये शू ने भरे शब्द से पुकार कर मैं अपनी, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं और यह कहकर प्राण छोड़ दिए अब जरा ध्यान से सुनेगा मती कहता है पहले ये मरा फिर पर्दा फटा यस लुका कहता है पहला पर्दा फटा आगे बोल दीजिए फिर ये शू मरा इसमें कॉन्ट्रेडिक नहीं है कैसे यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो ये कॉन्ट्रेडिक नहीं है मैं आपको बताता हूं कि जब मंदिर का पर्दा फटा और यीशु ने प्राण छोड़ दिए कौन कहता है आपका लुक यीशु ने प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा फटा कौन कहता है मत्ती का वाला कहता है अब एक लॉजिक देता हूं आपको इसको समझना बहुत जरूरी है एक व्यक्ति जो लूक को मदद कर रहा है एक व्यक्ति जो मती को मदद कर रहा है मती ने पूछा होगा यार ये घटना कैसे हो गई मंदिर का पर्दा कैसे फटा बोला श्रीमान मैं आपको क्या बताऊं मैं खड़ा था यीशु के आ, क्या कहते हैं ना क्रूसिफिकेशन के पास में और मैंने देखा कि यीशु ने चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए मेरा एक दोस्त था दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया बोला अरे पता है मंदिर का पर्दा फट गया बोला ओ ओ ओ, ओ अच्छा 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 मतलब यीशु यहां मरे और मंदिर का पर्दा वहां पे फट गया लूका वाला क्या कहता है पता है मंदिर का पर्दा पहले फटा बोला क्यों मैं मंदिर के पास था ओके okay. और फिर उसने कहा कि अच्छा 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 मंदिर का पर्दा पहले फटा फिर दौड़ते दौड़ते कम से कम तीन किलोमीटर का गैप है दौड़ते दौड़ते पूछा होगा अरे ये मर गए बोला आप भी अभी, अभी मर गए बोला हाँ मंदिर का पर्दा पहले फटा बाद में ये मरे आप आई बात समझ में आप क्वांटिडिक है यहां पर बिल्कुल नहीं देखिए घटना क्या है ये मरा ये तो पक्की बात है पर्दा फटा ये भी सच्ची बात है आगे फटा पहले फटा बाद में फटा अपने को नहीं चाहिए अब उस वक्त में क्या था इंसिडेंट अभी कट टू कट तो नहीं मिलेगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मंदिर का पर्दा फटा हमको चाहिए ये शुक्र मरा हमको चाहिए कब फटा कब मरा दैट इज नॉट अ बिग डील हम उसको लेकर चलेंगे तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका मैंने क्लियर कर दिया फोर्थ क्वान्टिडिक स्क्रिप्चर मजा लीजिएगा सबसे पहला फोटो देख लीजिए अब इसके ऊपर इतनी सारी बातें हैं मैंने बहुत कट किया मैं आपको सच बता रहा हूं मैंने बहुत कट किया है जैसे तैसे फिर आपके बीच में लेकर ये एक फोटो और ये एक फोटो तो यीशु की कबर पे कई महिलाएं और यीशु की कबर पे एक महिला आइए देखते क्या लिखा है योना की किताब उसका बीस का एक सप्ताह के पहले दिन मरियम मकदलि भोर को अंधेरा रहते कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा मरकु सोला का एक का दो तक क्या कहता है देखो जब सप्ताह का पहला दिन बीत गया मरियम अदलिनी याकूब की माता मरियम सलोमी यानी कि यीशु की, की बहन बायोलॉजिकल डॉटर जिसको कह सकते हैं आप लोग जोसफ के द्वारा जो पैदा हुई सलोमी सुगंधित वस्तु है मोलि कि आकर उस पर मले सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर तक सूरज निक, निकला ही था वे कब्र पर आए अब ये दो वचन आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट है अफकोर्स है अफकोर्स है यहां पर भी कॉन्ट्रेडिक्ट है कोर्स है लेकिन जिसका डिटेक्टिव माइंड होगा वो क्या करेगा जरूर गड़बड़ करेगा लेकिन यहां पे भी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं है पूछो कैसे अभी बता देता हूं ऐसे क्या यहुना ने कहा कहीं पे भी ओपन चैलेंज है मेरा किसी को भी क्या यहोना ने कभी कहा कहीं पे भी कि सिर्फ मरियम मगलिन नहीं? आई नहीं क्या मरकुस ने कहा कि सिर्फ ये लोग ही थे नहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैरी मैगलिन का टॉपिक निकला तो उसका जिक्र लिखा है अगर ये तीनों की तीनों महिलाएं गई तो उसका टॉपिक लिखा है इसमें लॉजिक इसमें प्रॉब्लम किधर है इसमें क्वाटिडिक किधर है एक भी व्यक्ति ने एक भी लेखक ने बहुत ध्यान से सुनना नहीं लिखा कि वहां कबर में सिर्फ और सिर्फ मैरी मैगिन थी ऐसा लिखा हुआ आपको एक भी जगह पे नहीं मिलेगा तो फिर खेल खत्म <laughs> कहां है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारी की सारी महिलाएं गए लेकिन लेखक ने सिर्फ मैरी मैग्लिन को ही स्पॉट किया उसमें प्रॉब्लम क्या है कहते हैं वचन ग्यारह बीस का ग्यारह इसी में स्वर्गदूत ने मरियम से बात किया मैरी मैग्लीन से बात किया ये शु मसी ने मैरी मैग्लिन से बात किया तो मैरी मैग्लिन से बात किया ऐसा तो नहीं लिखा ना कि सिर्फ मैरी मैग्लिन ब्रैकेट डाल के तो नहीं बात कर रहे ना वहां बाकी महिलाएं हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पत्रस और योन्ना बहुत ध्यान से सुनना कबर में आके फिर चले गए कैन यू बिलीव दैट मैं रिपीट करता हूं पत्रस और योन्ना कबर में आके वापस घर चले गए ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सप्ताह के पहले दिन मैरी मैगलिन ये वो सब आई और उन्होंने देखा पत्थर लुड़का हुआ है अंदर डेड बॉडी नहीं है वो चली गई होंगी लेकिन मरियम वहीं पे रह गई ये भी तो हो सकता है तो उससे बात करें तो इसमें क्वांटेडिक है फिफ्थ स्क्रिप्चर मेरे पास जितना टाइम है आपके बीच में रखता चला जाऊंगा पहले फोटो देख लीजिए मेरी कोशिश है कि फोटो से आपको कनेक्ट कर सकूं फोटो देख लीजिए ये है अपने शाउल बाद में बन गए फॉल ये घोड़े से जा रहे थे डोमेस्टिक कलिसिया को सताने सबको टॉर्चर करने जेल में डाल लेकिन रास्ते में मुलाकात हो गई राजाओं के राजा आगे बोल दीजिए प्रभुओं के प्रभु और अद्भुत परमेश्वर से जैसे ही घोड़े में जा रहे थे ठपक करके नीचे गिरे और इनके साथ में और इनके लोगों के साथ में कुछ घटनाएं घटी आइए देखते हैं सबसे पहला क्या हो रहा है प्रेरितों की किताब उसका नौ का साथ जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को ना देखते थे या देखते ना थे यस yes? अभी इसी किताब का बाईस का नौ क्या कहता है देखो मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना तो अब यह कॉन्ट्रिक्ट है बाहर वालों के लिए तो है लेकिन अभी मैं इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं तो वापस कहता हूं नौ का साथ कहता है शब्द तो सुना देखा नहीं बाईस का नौ कहता है ज्योति तो देखी शब्द नहीं सुना तो एक कहता है सुना फिर एक कहता है नहीं सुना एक कहता है देखा बाईस का नौ कहता है नहीं देखा ये द पॉइंट अब करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी अभी फोटो देख लीजिए पहला सबसे पहला लूक लिख रहा है तो उसने क्या लिखा उसने घटना लिखी जो नौ का साथ है दूसरी तरफ पवलूस खुद की गवाही दे रहा है दूसरा खुद बोल रहा है कौन पौलूस बोल रहा है मैं रास्ते में जा रहा था मैं रास्ते में जा रहा था मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द नहीं सुना उसको क्यों सुनाएगा प्रभु पौलूस को सुनाएगा ना क्या बात है सी <laughs> यीशु मसीह उसको क्यों सुनाएंगे जिसको सुनाना है उसको सुनाएंगे ना तो लूस उसको लिख रहा है तो लूक यहां पर क्या बोल रहा है शब्द तो सुनते थे परंतु देखते ना था ये लूक लिख रहा है कौन लिख रहा है रख देता हूं ये लूक लूका लिख रहा है ये लिख रहा है ये जो घटा ये उसको लिख रहा है जो उसने सुना लेकिन सच्ची बात कौन सुनाएगा खुद पहलूस तो पहलूस खुद बोल रहा है बाईस के नौ में वापस रख रहा हूं कहता है मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना अभी इसका एक और लॉजिक देता हूं देखिए कभी कभी क्या होता है ना यीशु ने कहा तुम सुनते नहीं हो इसका मतलब क्या है तुम समझते नहीं हो यह भी तो हो सकता है ना कभी कभी मैं क्या बोलता हूं अरे कोई सुन रहा है सुनते सब हैं लेकिन आगे बोल दीजिए समझते नहीं तो जो नहीं समझते ना उसको भी कहते हैं कि नहीं सुना यह भी एक लॉजिक है सिक्स कॉन्ट्रेडिक्ट स्क्रिप्चर आई होप आप लोग को मजा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यह आखिरी होना चाहिए क्योंकि उसके बाद का मैं कल कंटिन्यू करूंगा और बहुत सारा मसाला आएगा ठीक है ना आइए देखते क्या है रोमियो की किताब उसका पांच का एक लिखा है सो so, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल कर ले तो इसका मतलब है कि विश्वासी का उद्धार कैसे होता है विश्वास से ठीक है ना तो विश्वास से धर्मी ठहरेंगे गलतियों दो का सोलह आइए देखते क्या कहता है तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता तो यह दो वचन कहता है कर्मों के द्वारा नहीं किसके द्वारा विश्वास के द्वारा अब दूध पीता बच्चा मिल्क ड्रिंकिंग क्रिस्चियन अगर उसके हाथ में बाइबल दे दी तो वो पढ़ बैठेगा ये वो पढ़ बैठेगा यह मंथन बैठक महाराष्ट्र कैंपेन अच्छा स्टार्ट ये इतना जल्दी आ गया हाँ तो क्या करूं कट कर दूं? ओके जी अभी ये वचन देखिए सर आप लोग याकूब धोखा इक्कीस जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्री साग को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धर्मी नहीं ठहरा पहला क्या कहता है विश्वास से धर्मी यहाँ पे क्या लिखा है कर्मों से धर्मी फिर याकूब का दो का चौबीस सो तो तुमने देख लिया कि के मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वर्ण कर्मों से भी धर्मी ठहरता है अब सोचिए ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं बन जाएगा कि दान करो तो स्वर्ग जाओगे कर्म करो तो स्वर्ग जाओगे पुण्य करो तो स्वर्ग जाओगे एक मुस्लिम दोस्त था मेरे नॉलेज में आया था मैंने उसको पूछा यार है तुम बहुत पैसे देते हो गरीबों को मदद करते हो बोला फिर करना पड़ेगा मैंने बोला क्यों बोला जन्नत जाना है माय गुडनेस कहाँ जाना है जन्नत जाना है अब आप सोचिए और वो पैसे कहाँ लगा था पता है बहुत पर्टिकुलर है कहाँ शैता ने भटका दिया कहता है केवल शौचालय टॉयलेट बनाऊँगा टॉयलेट में पैसे डालूंगा अब आप सोच के देखिए ऐसे कितने सारे लोग अभी मोदी साहब ने भी टॉयलेट बनाने का अभियान शुरू किया है हमारे भारत के अंदर मुझे नहीं पता उसके पीछे लॉजिक क्या है बहुत सारे लोग चप्पल बांटते हैं मैंने पूछा भाई चप्पल क्यों बांटते हैं बोला पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग में चप्पल नहीं मिला तो बोला कपड़े क्यों बैठते हैं बोला मरने के बाद स्वर्ग में कपड़े नहीं मिले तो बोला खाना क्यों बैठते हैं बोला मरने के बाद खाना नहीं मिला तो कैन यू बिलीव दिस ये सारे कॉन्सेप्ट हैं भैया यूट्यूब वालों आप भी सुनिए और जिसके चलते ये वचन का सहारा लेके मुझे अभी तक खुशी है कि ऐसा कोई डॉक्टरी नहीं बना लेकिन बहुत जल्दी बन सकता है देखो क्या लिखा वापस से बताता हूं पवलूस कहता है विश्वास से धर्मी लेकिन याकूब कहता है कर्मों से धर्मी अब इसमें कॉन्ट्रेडिक्ट है डिडक्टिव वाले पड़ेंगे तो कॉन्ट्रेडिक्ट है लेकिन मुझ जैसे आप जैसे पवित्र आत्मा से बुद्धि पाए हुए तो कोई कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दो जी करता हूँ देखिए जब यहाँ पे पौलूस बात कर रहा है ना तो परमेश्वर और मनुष्य की बात कर रहा है तो परमेश्वर के नज़र में विश्वास चाहिए लेकिन जब याकूब यहाँ बात कर रहा है तो यहाँ मनुष्य मनुष्य के बीच की बात कर रहा है नॉट परमेश्वर की बात कर रहा है तो वो कहता है यहूदियों के हिसाब से कौन अब्राहम इसराइलियों के हिसाब से कि बेटे को बलि दिया पब्लिक को समझाने के लिए नॉट परमेश्वर को समझाने के लिए परमेश्वर को आपका दान कर्म नहीं चाहिए परमेश्वर को आपको विश्वास चाहिए लेकिन लोकल पब्लिक में जहां पे आप उठते बैठते हैं तो वहां पे आपका सेक्रीफाइस लाइफ आपका दान कर्म जो लोग देखते हैं फिर वो कहते हैं ओ ओ ये तो धर्मी है एक एग्जाम्पल देता हूं आपने कभी पढ़ा है याकूब दो का उन्नीस लिखा है लूसीफर यानी कि दुष्ट दुस्तात्मा भी विश्वास रखती है तो क्या उनको स्वर्ग भेज दें उनको स्वर्ग भेज दें तो दूसरे शब्दों में यीशु ने क्या कहा मती का साथ का बारा में तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे एक विश्वासी देखो याकूब का एक का इक्कीस बाईस आपने कभी पढ़ा होगा एक का इक्कीस और बाईस बीस से पढ़ लेना लिखा है केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले ई द पॉइंट तो इसका मतलब है मुझे विश्वास है लेकिन मेरा एक्शन नहीं है मुझे फेथ है लेकिन मेरा एक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है फेथ ज डेड विदाउट द एक्शन एक्शन इज नथिंग विदाउट कम ऑन द फेथ तो फेथ एंड एक्शन हैज टू गो टूगेदर तो यहां पे या माफ करें पौलूस जब कह रहा है कि विश्वास से मैं उद्धार पाया विश्वास से मैं प्रभु में कॉन्सेप्ट कौन है यहूदी क्योंकि गलितियों की किताब यहूदियों को समझा रहा है रोमियों की किताब में भी यहूदियों को समझा रहा है तो यहूदियों को सामने रख के कहता है कि कर्मों पे मत चलो विश्वास पे चलो याकूब क्या कहता है भैया विश्वासी तो हो लेकिन गरीबों को दान नहीं दे रहे मदद नहीं कर रहे हो तुम्हारा कर्म तो नहीं दिख रहा है विश्वास तो कर रहे हो क्योंकि लूसीफर भी विश्वास करता है और याकूब दो कहता है थर है कांपता है लेकिन उसके फल कैसे हैं बेकार कैसा लग रहा है सी इसको कहते हैं परमेश्वर की आत्मा से जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है अब कल बात करूंगा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ईशु की गवाही मेरी गवाह मेर, मेरी गवाही तो सेवेंथ कॉन्ट्रेडिक